नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप श्रीवास्तव। और अभी बहुत सारे बच्चे जो है मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर, ये जो गेट 2024 हुआ, व्हाट इज़ योर टेक अवे ऑन दिस, राइट? सो आई जस्ट थॉट टू मेक दिस वीडियो बेसिकली। तो बहुत ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं करेंगे, बिकॉज आई थिंक कि आप लोगों को एक्चुअली एक रियल आइडिया मिलना चाहिए और बहुत टाइम ये सब चीज़ों को देखने में वेस्ट नहीं करना है। सो वॉट इज़ माई टेक अवे फ्रॉम दिस, लाइक गेट 2024 का जो सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट सिविल इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली। बहुत सारे बच्चों की राय आई कि एप्टीट्यूड सर जो था किसी शिफ्ट में टफ था, ठीक है, मैनी पीपल सेड दैट द एप्टीट्यूड वॉज टफ, ठीक है। उसके बाद में कुछ लोग कह रहे थे मैथ ईजी है, दैट मैनी पीपल सेड, राइट। अब जो शिफ्ट का कंपेरिजन है वो मैं नहीं करूँगा, बिकॉज दैट इज़ लाइक एवरेज ऑफ टॉप 0.1% पीपल, राइट। तो वो हमारे आपके किसी और के कहने से वो डाटा हमें एग्जैक्टली रिवील नहीं होने वाला है कि कौन सा शिफ्ट इजी था। और नॉर्मली दिस हैज़ बीन द ट्रेंड कि जो जिस शिफ्ट में एग्जाम देगा उस शिफ्ट को कभी नहीं बोलने वाला कि वो शिफ्ट जो है इजी था। ही इज़ नेवर गोइंग टू से दिस, आई डोंट नो वाई, बट एग्जैक्टली इससे आइडिया नहीं मिलता, राइट। सो आपका जो एप्टीट्यूड और मैथ था इसकी बात मैं करूंगा, बट आपको गेट 2024 जो है, आप गेट 2025 में अगर अपियर होने वाले हो, ठीक है, एंड मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अपियर इन गेट 2025, राइट। सो फॉर देम आई विल बी जस्ट शेयरिंग सम ऑफ द थिंग्स। जैसे बहुत सारे बच्चे जब सॉयल मैकेनिक्स तैयार करते हैं ना, तो इवन आई एम लाइक डेडिकेटली टीचिंग सॉयल मैकेनिक्स, राइट, ऑन दिस चैनल ओनली, प्रॉपर सीरीज इज देयर। बट सॉयल मैकेनिक्स में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लाइक देयर फेवरेट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल, ठीक है। नॉर्मली प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल लेंथी चैप्टर होता है, तो उसमें भी ज़्यादातर फोकस किस पे होता है, जो फॉर्मूला बेस्ड हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस हम दे देते हैं आईएस क्लासिफिकेशन को, और जो बाकी फॉर्मूले हैं एवरीथिंग वी हैव टू लर्न, राइट। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, उसके बाद परमेबिलिटी पे पढ़ते हैं। सो लाइक वी स्टडी एवरीथिंग प्रॉपरली, सेम इज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। अब ट्रांसपोर्ट में एक ट्रेंड है जो आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर नॉर्मली जो लोग प्रेफर करते हैं हाईवे को पढ़ लेते हैं, और हाईवे में भी सेलेक्टिव स्टडी करते हैं। सो मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी गेट जो है ना, मार्क माई वर्ड्स, गेट भी एक छोटा सा सबसेट बन गया है ईएससी का। लाइक गेट हैज़ बिकम लाइक ईएससी ओनली, जहाँ पे जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है वो ईएससी से टफ है, लेकिन गेट इज ट्राइंग टू कवर लाइक मेनी पार्ट ऑफ द सिलेबस। ऐसा वाला नहीं रह गया अभी कि बस आप सेलेक्टिव स्टडी करके बहुत अच्छी रैंक ले आओगे, ठीक है, यू माइट क्वालिफाई, राइट, बट वो सेलेक्टिव स्टडी से, बट बहुत अच्छी रैंक अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो नहीं होने वाला है। सिंपली हाईवे में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक डिजाइन में, यहाँ पे कोई सिलेबस नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, बट वॉट इज द थिंग वाई वॉट आई हैव टू शेयर दैट आई हैव टू शेयर, तो वो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ लेते हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है। बट इस बार का अगर आपने पेपर देखा है तो आप लोगों को आइडिया हो गया, फोरनून सेशन में पेपर जो आया था गेट 2024 के पेपर में, आपको ज्योमेट्रिक डिजाइन से एक क्वेश्चन था, ठीक है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग से एक क्वेश्चन था, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू राइट एवरीथिंग, आप लोग का जितना टाइम सेव हो सके दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। ट्रैफिक इंजीनियरिंग से क्वेश्चन था, पेमेंट डिजाइन से भी क्वेश्चन था भाई, ठीक है, पेमेंट मटेरियल से भी क्वेश्चन था, ठीक है, पेमेंट मटेरियल से भी क्वेश्चन था। उसके बाद में रेलवे इंजीनियरिंग से एक क्वेश्चन था, एयरपोर्ट से भी क्वेश्चन था। तो अब जो मैंने अभी इन कुछ चंद सेकंड्स में बोला, इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा ना कि अब जो गेट का पेपर है दैट इज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई इट्स ओरिजिन, राइट। अभी नॉर्मली पहले क्या होता था, इसी में से जो आते थे आ जाते थे, ठीक ठाक, इनका उतना रेपुटेशन नहीं मिलता था। बट यू हैव सीन कि सारा, आप फोरनून सेशन का पेपर उठा के देखो, ठीक है, रेलवे में जो GV² / 127R वाला फॉर्मूला लगता है उस पर क्वेश्चन आया हुआ था। एयरपोर्ट का क्वेश्चन मैंने आपको एक पोस्ट में शेयर किया हुआ था कि 300 मीटर के साथ में 7% करेक्शन होता है, ठीक है, एलिवेशन चेंज होने पे रनवे की लेंथ में। तो पेमेंट डिजाइन से क्वेश्चन था, ठीक है, जो एक्सेल लोड और ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में पेमेंट मटेरियल से भी क्वेश्चन था, बिटुमिन वाला जो कंटेंट है, फॉर दैट दिस क्वेश्चन वाज कि इसमें मतलब क्वेश्चंस दो तीन पॉइंट्स मिक्स थे ऐसे करके था, ठीक है।
तो मैं बस यही आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर आप गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो यार शॉर्टकट पे बिल्कुल मत फंसो कि बस दो टॉपिक पढ़ूंगा मैं और ऐसे चला जाऊंगा, क्वेश्चन हो जाएगा। अब टोटल यहाँ से रेलवे से 2 नंबर था, 1 नंबर एयरपोर्ट से था। आई एम टॉकिंग अबाउट फोरमू सेशन, ठीक है। आई हैव एनालाइज द पेपर बेसिकली, ठीक है। पेमेंट डिजाइन एंड फॉर द इवनिंग शिफ्ट ऑल्सो द ट्रेंड इज सेम, राइट। पेमेंट डिजाइन की मैं बात करूँ तो पेमेंट डिजाइन में भी 2 नंबर का क्वेश्चन था, पेमेंट मटेरियल से 1 नंबर का क्वेश्चन था, ज्योमेट्रिक डिजाइन से 1 नंबर का क्वेश्चन था, ट्रैफिक इंजीनियरिंग से 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो आप देख लो, 2, 1, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, 2, 9, 9 नंबर हो गए और एक दो क्वेश्चन अगर मैं मिस कर रहा हूँ, ठीक है। 9 नंबर में से 3 नंबर खाली, ये जो आपके फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जहाँ से ज़्यादा मेहनत करते हो आप लोग, वहाँ पे आए। तो आप देख लो कि कितना परसेंट हुआ, ठीक है। 30% के अप्रॉक्स जो आपने अगर इतना किया तो सिलेबस कवर किया हुआ है ट्रांसपोर्ट का। तो मेरा बस एक इससे, और सेम इज फॉर सॉयल मैकेनिक्स ऑल्सो। अब सॉयल मैकेनिक्स में एक चीज आप देखो, इन्होंने किस चीज से पूछा हुआ था, आपका जो स्लोप स्टेबिलिटी होता है, ठीक है, इनफाइनाइट स्लोप और ये सारी चीजें, जहां से मोर फ्रिक्वेंटली लाइक द क्वेश्चंस आर नॉट बीइंग आस्क्ड, राइट, बट वहां से भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा, सॉयल स्टेबिलिटी से आपके क्वेश्चन पूछा। एंड सेकेंड शिफ्ट में ही ऐसा ट्रेंड आपको देखने को मिला। और एक चीज तो बहुत शॉकिंग थी, इन्होंने मैकेनिकल वेदरिंग से भी क्वेश्चन पूछा, मतलब जो आप फिजिकल और केमिकल वेदरिंग पढ़ते हो ना, लाइक ऑफिशियली दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस बट दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, राइट। तो मैं बस आप लोगों से ये बोलूंगा कि जो भी लोग गेट 2025 दे रहे हो, आई एम नॉट गोइंग टू टेक टू मच ऑफ टाइम, बस मैं बस एक डाटा के थ्रू, सैंपल के थ्रू आप लोगों के साथ में कुछ शेयर किया। सो गेट 2025 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर आपको ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर करना है तो यू हैव टू प्रिपेयर लाइक एससी विद द डिफिकल्टी लेवल ऑफ गेट, मार्क दिस स्टेटमेंट। ऐसे मत तैयारी करना कि हाँ दो, अब मैं बात करूँ ट्रांसपोर्ट की, मैं बात किया अभी जो सीपीएम पार्ट होता है आपका, ठीक है, फ्रॉम सीपीएम पार्ट लाइक फ्रॉम बिल्डिंग मटेरियल दे हैव आस्क्ड 2 to 3 questions, जो कि बहुत अनयूजुअल है। सीपीएम पार्ट में नॉर्मली जो गेट की प्रिपरेशन करते हैं वो कहाँ से पढ़ के जाते हैं, फॉर देम द क्वेश्चन इज लाइक जो आपका टाइम एस्टिमेट्स है, ठीक है, टाइम एस्टिमेट्स पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक टाइम पढ़ते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। लेकिन सीपीएम पार्ट में कहाँ से क्वेश्चन पूछा, इंजीनियरिंग इकोनॉमी से, जो कि नॉर्मली आप पढ़ते हो जब ईएससी के लिए प्रिपेयर करते हो, राइट। इंजीनियरिंग इकोनॉमी से जो डायरेक्ट मेथड होता है कॉस्ट एनालाइज करने का, उससे क्वेश्चन था। तो यू कैन जस्ट एनालाइज विद द ट्रेंड कि अभी मैं आपको बस एक छोटा सा सैंपल देता हूँ कि ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको रेलवे पे भी अच्छा खासा ध्यान देना है। अब अगली बार रेलवे पे 2 क्वेश्चन आ गया, फिर क्या करोगे, बस ज्योमेट्रिक डिजाइन और ये ऑफिशियली ट्रैफिक, बस यही इतना ही सिलेबस नहीं है। अब गेट वाले आपसे ये बोलना चाह रहे हैं भाई कि ट्रांसपोर्ट का मतलब सारे मीडियम पढ़ो, ठीक है, रेलवे भी पढ़ो, हाईवे भी पढ़ो, एयरपोर्ट भी पढ़ो, बस हाईवे पे ही फोकस मत करो। आप देख सकते हो यहाँ से जितना ज्योमेट्रिक डिजाइन और इसका पार्ट था ट्रैफिक इंजीनियरिंग का, उतना ही पार्ट रेलवे और एयरपोर्ट का था, ठीक है। तो इस एनालिसिस के थ्रू बस आपको एक चीज सीखनी है कि सिलेबस को अब थोड़ा सा एसी पैटर्न में पढ़ो, ठीक है, शॉर्टकट के पीछे मत भागो। जैसे मैं अगर सॉयल प्रॉपर्टीज जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सॉयल मैकेनिक्स में उसकी बात करूं, तो अभी आप जब उसमें इंडेक्स प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, ठीक है, इंडेक्स प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पढ़ रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करो यार कि ये सब चीजें छोड़ के जाओ। मतलब आप कुछ चीजों पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो और वो चीजें मतलब आई नहीं, और जो बहुत इजी थी वो आ गई, तो जिसने वो किया हुआ है, जिसने वो पढ़ा हुआ है, तो आपकी रैंक तो डिस्टर्ब होने वाली है ना, इजी क्वेश्चंस जो बाकी लोग कर लेंगे। तो जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं ना, मतलब इम्पोर्टेंस तो वही रही, गेट का जो पैटर्न था कि सॉयल से अच्छे खासे क्वेश्चन थे, एनवायरमेंट से अच्छे खासे क्वेश्चन थे, ठीक है, आपका हाईवे, आई विल नॉट से हाईवे नाउ, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जो ट्रांसपोर्ट था उससे अच्छे खासे क्वेश्चन थे, बट द थिंग इज दैट कि उसके अंदर में जो हम लोग कैरेक्टराइजेशन करते थे ना, ये पढ़ लो बस इधर से ही आएगा, तो वो थोड़ा सा ट्रेंड जो है ना, वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए चेंज हुआ है, एज आई हैव गिवन द डाटा एंड आई हैव लाइक सब्सटेंशिएटेड एवरीथिंग, राइट। सो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, और आगे जब 2025 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, थोड़ी सी डेप्थ में नॉलेज लेनी है, आपके पास में 1 साल का टाइम है। तो अगर आप सॉयल उठाते हो तो बस इतना नहीं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल तक आपका पूरा मोटिवेशन डाउन हो जाए, जब हम
पढ़ेंगे रैंकाइन अर्थ प्रेशर वाला जो चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं, आपका जो स्लोप स्टेबिलिटी होती है, इनफाइनाइट फाइनाइट स्लोप, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जहाँ पे हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं एरिया रेशियो वगैरह, जो बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों पे भी थोड़ा थोड़ा आपको मेहनत करना है, टाइम देना है, ठीक है। सो दैट इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि बस शुरू के कुछ चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ गया, बस वही कर लिया, उसके बाद में आगे का चीज़ें आपने छोड़ दिया, ठीक है। वो करोगे तो आपको तो लगेगा कि हाँ मेरा अच्छा चल रहा है सब कुछ, बट एग्ज़ाम में जब जाओगे तो पता चलेगा, अगर 15 नंबर सवाल से आया तो 6 से 7 नंबर खाली आया आपके एरिया से, ठीक है, बाकी 10 नंबर के आसपास आ गया जो आपने बहुत हल्के में लिया हुआ है। आप कैसे कह सकते हो कि आपने सवाल पूरा अच्छे से कवर किया हुआ है? तो विद दिस ट्रेंड यू हैव टू लाइक मेंटेन योर मोटिवेशन फॉर एवरी टॉपिक, दैट आई वॉन्ट टू से, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर ESC, लाइक नॉर्मली ESC के लिए अपियर होते हैं, जो गेट के लिए अपियर होते हैं, ठीक है, एंड फॉर JEE एंड AE एग्जामिनेशन ऑल्सो दिस इज गोइंग टू हेल्प। सो दिस इज जस्ट अ सजेशन फ्रॉम माई साइड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, अभी से ही लग जाओ, और अभी ज़्यादा इतना वीडियो नहीं देखना है, ठीक है। आप एनालिसिस हो गया, मार्क्स आपके जो आए ठीक है, बट इफ़ यू वॉन्ट टू टेक अ ड्रॉप फॉर गेट स्पेसिफिकली, अगर आपको IIT NIT में एडमिशन नहीं मिल रहा है और यू हैव सम अदर एम्स, राइट, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि अभी से स्टार्ट करो प्रेपरेशन, थोड़ा सा एनालिसिस करके। वही सेम मिस्टेक्स आपको नहीं रिपीट करनी है कि आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाए, यू वेंट लाइक दैट, ठीक है, बस फ्री माइंड से चले गए, ठीक है, उसके बाद में बाकी चीज़ें नहीं करी विच इज़ एसेंशियल। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, एंड ऑन लाइक योर चैनल RGU फॉर वी आर गोइंग टू कवर, लाइक आई विल बी पर्सनली कवरिंग सॉयल मैकेनिक्स, ठीक है, उसके बाद में आपका ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग है वो मैं खुद कवर कराऊंगा, एंड मेनी पीपल आर लर्निंग, ठीक है, विद अस, एंड दे आर सीइंग अ पॉजिटिव रिजल्ट इन देयर लाइक कंसेप्चुअल जो चेंजेस हुए हैं ना, जो टॉपिक पढ़ते थे। सो यू कैन सी, जस्ट वॉच अ लेक्चर इफ यू लाइक इट, ठीक है, इफ यू हैव सम थिंकिंग कि हाँ बंदा अच्छा पढ़ा रहा है मेरे, मैं अगर आपके इम्तिहान में पास हो जा रहा हूँ, सो यू कैन कवर दीज लेक्चर्स, एंड आई विल बी कवरिंग द एनवायरमेंट पार्ट ऑल्सो, राइट। तो अभी तो पहले सॉइल मैकेनिक्स, तो द फर्स्ट थिंग विच आई विल बी टेलिंग कि अगर आप मेरे से पढ़ोगे, ठीक है, तो जिन लोगों को बहुत जल्दी है वो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर मेरे देखिएगा, ठीक है। अगर किसी को पूरा मतलब टाइम है, यू हैव इनफ अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत जल्दी वाले आदमी नहीं हो, तो लाइव क्लास में आके अटेंड करो, ठीक है। हर दिन 8:30 बजे क्लास होती है, लाइव क्लास, ठीक है, और उसके बाद में आप मेरे से डाउट्स भी पूछ सकते हो। यू मे ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। अब मेरा क्या होता है, व्हेन आई टीच आई ट्राई टू कवर लाइक अ होलसम पार्ट ऑफ द सिलेबस, ठीक है, सारे पॉइंट्स कवर हैं, आप जाके देख सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट इज द मेथोडोलॉजी बेसिकली, कि आपका जो मॉक टेस्ट है, ठीक है, फॉर एवरी टॉपिक वो कंडक्ट किया जाता है, मॉक टेस्ट, उसके बाद में यूनिट टेस्ट, और यूनिट टेस्ट आपका क्या होता है, लाइव होता है, ठीक है, और डेली क्विज जो होता है रिलेटेड टू, और क्वेश्चन आप देख सकते हो आसानी से नहीं हिलने वाले, जितने भी क्वेश्चन है, मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं रहता हूँ कि ओवन ड्राइंग मेथड में टेम्परेचर कितना होता है ये बता दो, वी हैव टू फ्रेम सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिससे आपको लगे कि हाँ मैंने पढ़ा तो ठीक से पढ़ा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में यू कैन कवर दिस फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड फॉर यू विल बी हैविंग माई पर्सनल गाइडेंस ऑल्सो, राइट, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मॉक टेस्ट आफ्टर एवरी टॉपिक इट विल बी कंडक्टेड, जो top 3 होंगे उनका नाम भी शेयर किया जाता है, यू कैन सी एंड विजिट द चैनल, राइट, और डेली क्विजेज भी होती हैं। सो दीज आर जस्ट थिंग्स विच आई एम थिंकिंग टू शेयर बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। सो अगर आपको समझ में आ रहा है, और ये सब चीज़ें तो हो गई, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद में जो मैंने अभी आपको सारी चीज़ें बताई, ठीक है, जो एनालिसिस था गेट का, ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, सो विद दैट रिस्पेक्ट यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, एंड यू कैन प्रिपेयर विद अस ऑल्सो, एंड यू कैन शेयर योर डाउट्स ऑन दिस नंबर, होपफुली यू विल बी गेटिंग अ रिप्लाई, राइट। अगर रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो यू कैन लाइक डायरेक्टली कमेंट योर क्वेरी ऑन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो चलिए फिर लाइव क्लासेस में मिलते हैं,
वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा सो दैट इट कैन रीच टू द मैक्सिमम पीपल, राइट? आई एम नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर, राइट? सो मैं लाइक और सब्सक्राइब वाला बहुत ज़्यादा नहीं पता है मुझे, बट दैट मच आई नो कि थोड़ा सा इफ़ यू विल लाइक सो इट विल बी रीचिंग टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल, राइट? तो एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल फॉर लाइक रेगुलर क्लासेस इफ यू वॉन्ट टू अटेंड. तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एग्जाम्स इन विच यू आर गोइंग टू अपीयर. टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं फिर.